Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Sajit Mandal and today I am going to install this 4x8 Japanese muffler on my RX100. और ये 4x8 Japanese reed valve है, आप देख सकते हैं, ये इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है इसका क्वालिटी, ये प्योर जैपनीज है 4x8। और अभी ये मफलर लगने के लिए जा रहा है 4x8 जैपनीज मफलर फॉर RXS115। एक्चुअली मैं इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया था, आप इसका क्वालिटी देखो, एकदम बेहतरीन क्वालिटी का है। सिर्फ इसका नाट का जगह थोड़ा अलग होता है नॉर्मल इंडियन मफलर से, और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसके स्टील का क्वालिटी बेहतरीन है। इसका कवर में देख सकते हैं फेरोगट लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल का पहचान, इसमें फेरोगट लिखा होगा। साइलेंसर में काफ़ी सारा ऑयल लाके जमा हो गया था, सफाई नहीं किया था, इसीलिए सारा ऑयल हटाना पड़ेगा फर्स्ट टाइम अच्छी तरह से कपड़ा से, उसके बाद ही मफलर लगेगा। हाथ से जितना हो सके हाथ से निकालने की कोशिश हो रहा है, अभी हाथ से हो गया, अभी कपड़ा से हो रहा है, अभी पूरा क्लीन होने का बाद ही मफलर लगेगा, तो अभी होने दो क्लीन। अभी हो गया, पूरा क्लीन हो गया, आप देख सकते हैं इसमें ऑयल नहीं है, सब निकाल कपड़ा से निकाल लिया गया है बाहर। अभी क्लीन होने का बाद अभी हमारा जैपनीज 4x8 मफलर इसमें इंसर्ट होगा, उससे पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट होने का बाद डायरेक्ट मफलर इंसर्ट होगा। ये 4x8 का स्क्रू लगने का जगह थोड़ा अलग रहता है, ये स्क्वायर टाइप का होता है, अभी इसमें वो स्क्रू लगेगा। और नॉर्मल इंडियन में एक नट लगा रहता है राउंड वेल्डिंग करके, और 4x8 में ऐसा स्क्वायर टाइप का रहता है, आप देख सकते हैं। मफलर लग गया, अभी स्टार्ट, आप सुन सकते हैं इसका एडजस्ट नॉट 4x8 मफलर लगाने के बाद।